हम कौन हैं, हमारा अस्तित्व क्या है, हम क्या हैं और क्या बन सकते हैं, ये बड़ा विचित्र प्रश्न है, परंतु उतना ही महत्वपूर्ण भी। मनुष्य सदा अपने वर्तमान प्रारब्ध के लिए अपने अतीत को उत्तरदायी ठहराता है, अपने जन्म को, अपने परिवार को उत्तरदायी ठहराता है। परंतु तनिक सोचिए, एक कमल जो कीचड़ में खिलता है, वही कमल भगवान की मूरत पर शोभित होता है। एक कोयला जिसे कोई भी शीघ्र नहीं छूना चाहता, परंतु वही कोयला धरा का ताप और दबाव सहकर हीरे में परिवर्तित हो जाता है और वही हीरा मस्तक पर सुशोभित होता है। तो इन उदाहरणों का निष्कर्ष क्या है? इन उदाहरणों का ये निष्कर्ष है कि उससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि आपने जन्म कहां लिया, आपके कर्म आपका स्तर निर्धारित करते हैं। हमने कहां जन्म लिया ये हमारे नियंत्रण में नहीं था, परंतु हम कब और कहां अपने जीवन की अंतिम श्वास लेंगे ये अवश्य हमारे नियंत्रण में होता है। तो कर्म कीजिए, अपने जन्म की उलाहना मत दीजिए। ये कवच मेरा कौशल मेरी प्रतिभा नहीं, ये कवच छिनने के पश्चात अब ये ध्वंस समान है, परंतु तुम सावधान रहना क्योंकि इस अस्त्र का प्रयोग मैं तुम पर ही करूंगा। मैं उस ध्वंस की प्रतीक्षा करूंगा। आपका मत उचित था माता, आज मैंने भी स्वीकार लिया कि कर्ण से बड़ा दानवीर कोई नहीं। नहीं है सूर्य, आपका पुत्र पीड़ा में नहीं। चल पूर्ण करते क्या राजमाता। रुपाश्री, दूर रहिए मेरे पिताश्री से, अभी इनका पुत्र जीवित है, इन्हें संभालने के लिए मैंने सदा अपने पिता से दूरी बनाए रखी। इन्होंने मेरी माता और मेरे साथ जो व्यवहार किया उसके लिए मैं इन्हें कभी क्षमा नहीं कर पाया, परंतु आज भान हुआ कि जितने कष्ट आपने मेरे पिता को दिए उसके सामने हमारा कष्ट तो कुछ भी नहीं था। मुझे इन्हें चिकित्सा के लिए शिविर ले जाना होगा, इनकी चिकित्सा आवश्यक है। पिताश्री, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा,
मैं वचन देता हूं आपका पुत्र आपके साथ है। पुत्री कुंती इतनी व्यथित होकर कहां जा रही है, क्या कारण होगा? ये क्या हुआ इसे? लिटाओ इसे। आओ कर। ये क्या हुआ मेरे मित्र को? विश्वसेन, मेरे मित्र की ये दशा किसने की? मैं प्राण ले लूंगा उसके। मैं कुछ पूछ रहा हूं, क्या हुआ? क्या हुआ? मैं आपको सब कुछ बताता। माता, प्रणिपात माता, आप अचानक यहाँ पे? सहदेव, शीघ्र मैं सब चलूं। परंतु कहाँ माता? ये सिद्ध करने के लिए केवल तुम मुझे माता कहते हो, हृदय से भी मानते हो। परंतु हुआ क्या है माता श्री, कहाँ ले जा रही हैं आप हमें? तुम दोनों को चलते कर्ण का उपचार करना है। ये छल उस अर्जुन ने किया है। वो कर्ण को समाप्त कर देना चाहता था। आप उस अर्जुन के साथ साथ उन पांडवों को भी समाप्त कर दूंगा मैं। पांडव पुत्रों, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। रुक जाइए ज्येष्ठ, आपका वहां जाना उचित नहीं। मैं वहां जाऊंगा, अवश्य जाऊंगा, छोड़ो मुझे। रुक जा मित्र, जब तुम सोच रहे हो वो भूल के भी मत करना। परंतु उन्होंने तुम्हारे साथ में छल किया मित्र। मेरा मित्र मेरी जीवन की सबसे बड़ी शक्ति छीनना चाहा उन्होंने। अब उन्हें लगता है कि वो हमारा नाश कर देंगे। कैसे? मेरा मित्र मेरा कवच लिया गया है, पर मेरी निष्ठा और मेरा विश्वास नहीं। मेरे कुंडल ले लिए है, पर मेरा कौशल नहीं। ये अंत नहीं, प्रारंभ है। प्रारंभ है मेरी विजय का। ये क्या कह रहे हो मित्र? हाँ, यदि तुमने
मुझे मन से अपना मित्र माना है तो तुम नहीं जाओगे। मैं जाकर चिकित्सक को ले आता हूं। पिताश्री, मित ये आप क्या कह रही हैं माता? कर्ण हमारा शत्रु है और हमारे भ्राता अर्जुन के प्राणों का प्यासा है वो, और आप चाहते हैं हम उसका उपचार करें? और वैसे भी बड़ा शूरवीर बनता है, हम भला उसकी सहायता क्यों करें? क्योंकि कर्ण में क्या हुआ माते? क्या कुछ ऐसा है जो आप उनसे छिपा रही हैं? बताइए। वो कर्ण, वो मेरा सबसे योग्य शत्रु है ज्येष्ठ। उसे अधिकार है युद्ध क्षेत्र में स्वस्थ होकर अपना कौशल दिखाए, ताकि मैं भी उस पर अपना कौशल सिद्ध कर सकूं। इंद्रदेव ने कर्ण के साथ जो छल किया वो किया, परंतु मैं चाहता हूं कि युद्ध भूमि में कर्ण अपने पूरे बल के साथ मेरे समक्ष प्रस्तुत हो, ताकि ना ही उसे और ना ही संसार को यह कहने का अवसर मिले कि अर्जुन ने एक दुर्बल का वध किया। क्षमा करें युवराज, क्योंकि अंगराज के शरीर पर घाव अधिक गहरे हैं, इसलिए मैं उनकी रक्षा नहीं कर सकता। कदाचित ईश्वर की यही इच्छा है। ईश्वर की नहीं, मेरी इच्छा चलती है। मेरा मन ये कहता है कि यदि मेरे मित्र को कुछ भी हुआ तो उससे पहले ईश्वर के दर्शन तुम करोगे। आप समझने का प्रयास कीजिए युवराज, अंगराज के शरीर पर कवच और कुंडल दिव्य थे जो उनके शरीर से जुड़े थे। यूं मान लीजिए उनके शरीर का अंग ही छीन लिया गया। इसलिए मैं उनकी सहायता नहीं कर सकता, मेरा उपचार उनके लिए असंभव है युवराज। परंतु हमारे लिए संभव है। शिविर में आने का कैसे? ये मेरे आदेश से यहां है पुत्र दुर्योधन। कर्ण की इस दशा का जितना तुम्हें दुख है उससे कहीं अधिक हमें खेद है, इसलिए मैं नकुल और सहदेव को यहां लाई हूं कर्ण का उपचार करने के लिए।
परंतु मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता नहीं है। आप जा सकते हैं। मैं संसार के सबसे अच्छे वैद्यों को बुलाऊंगा, अपने अपने मित्र के उपचार के लिए सबसे अच्छे वैद्यों को। वैद्य ने जो कहा है वो तुम सुन चुके हो। ये दिव्य कवच निकालने का घाव है, मनुष्य के उपचार से नहीं भरेंगे। नकुल और सहदेव अपने पिता अश्विनी कुमार की विद्या ज्ञात है, शीघ्र ही कर्ण को ठीक कर देंगे। कर्ण को कुछ भी हो गया तो उसका उत्तरदायित्व कौन लेगा? इसका उत्तरदायित्व मैं लेता हूं दुर्योधन। मुझे नकुल सहदेव की योग्यता पर पूर्ण विश्वास है। हम अधिक समय व्यर्थ नहीं कर सकते। कर्ण के पास समय शेष नहीं। मैं अपने अपने मित्र के प्राण अपने शत्रु के हाथ में नहीं दे सकता। बस परंतु एक पुत्र का दायित्व एक माता को तो दे सकते हो ना दुर्योधन पुत्र। करने सदा मुझे आके सम्मान का आदर किया है, मैं भी सदा उसकी हितैषी रही हूं। एक अवसर दो नकुल और सहदेव को। ठीक, उपचार आरंभ करो। तुम दोनों ने जो किया वो प्रशंसा के योग्य है। अपना स्थान करो।
हम प्रस्थान करें, अर्थात आप हमारे साथ नहीं आ रही है माते? नहीं पुत्र, मेरा धर्म मुझे अपना ससुराल छोड़ने की आज्ञा नहीं देता। मुझे यही गौरव शिविर में रहना होगा। हम युद्ध की चौखट पे खड़े हैं माता श्री, हम आपको शत्रु शिविर में नहीं रहने दे सकते। मेरी रक्षा का दैत्य तुम दाश्री और कर्ण पर छोड़ दो। अब हमें मित्र को विश्राम करने देना चाहिए। चलिए यहां से। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.